हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड क्या है पानी की, 6 किलोमीटर पर आवर। थ्रो ए पाइप, एक पाइप में से निकल रहा है जिसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। पाइप बना लेते हैं, ये पाइप बना लिया, ठीक है। डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक, और एक रेक्टेंगुलर टैंक है इसमें जा रहा है, ठीक है, जो कितना है, 60 मीटर लॉन्ग है, 22 मीटर वाइड है, ठीक है। तो 60 मीटर है ना, तो देखो ये सेंटीमीटर में दिया, तो मैं इसको भी सेंटीमीटर में ही कर लेता हूं, ठीक है। तो 60 और इनटू 100, और ये जो इसकी विड्थ है 22, इसको भी मैं इसी में कर लेता हूं, ठीक है। अब क्या बोला, डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज टैंक विल राइज 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है 7 सेंटीमीटर टैंक के अंदर पानी भरेगा, यानी मान लो 7 सेंटीमीटर यहां तक है, ठीक है, यहां तक जब ये पानी भर जाएगा इसके अंदर, तो बोल रहा है कि कितना टाइम हो चुका होगा इसमें से पानी निकल निकल के इसमें आएगा, ठीक है। तो देखो यानी इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, और 7 सेंटीमीटर हाइट लेनी है हमें, और आर इसका पता है, और हमें एच निकालनी है, एच वही हो गई, ठीक है ना, एच यानी लेंथ हो गई। तो लेंथ से हमें डिस्टेंस, हम क्या डिस्टेंस के थ्रू फिर हम स्पीड पता कर लेंगे, और हम लास्ट में बता देंगे कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखो स्पीड हमें दी हुई है और डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहां से निकाल लेंगे हम इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, ठीक है, और फिर आर की कितनी है, 7 × 7 सेंटीमीटर, और एच हमें निकालना है, और एल बी एच वैल्यूज रख दो, इंटू 22,000 × 7, इस 7 से ये 7 कट गया, एच को इधर रखें और इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, सेवन से 7 कट गया, 22 से 100, तो 6,000,000, हाइट कितनी आ गई, 3,25, ठीक है, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखो हाइट हमें किलोमीटर में निकालनी है, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे ज्यादा हार्ड होगा, हम सेंटीमीटर से पहले मीटर बनाते हैं, तो 2 जीरो काट देंगे, तो मीटर बनेगी तो कितनी हो जाएगी, 6,000 मीटर, फिर मीटर से हम किलोमीटर बनाएंगे तो 3 जीरो कट जाएगी, यानी 6 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड क्या है हमारी, 6 किलोमीटर 1 आवर, तो टोटल टाइम कितना लगा 6 किलोमीटर तक का, 1 आवर, तो कितने समय में भर जाएगा, 1 आवर में, ठीक है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कई बार किसी क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाती है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके आ गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहां पे आपकी प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। थैंक यू फ्रेंड्स।